हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम जानेंगे खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो ये जो आंदोलन हुए थे, देशव्यापी आंदोलन, तो इनका प्रभाव बिहार राज्य में क्या पड़ा, बिहार राज्य में इन सारे आंदोलनों का प्रभाव क्या था, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बिहार में होम रूल आंदोलन का क्या प्रभाव था। तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बसेंट के नेतृत्व में 1916 ईस्वी में पूरे देश में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रभाव बिहार में भी व्यापक रूप से देखा गया। पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक तथा उपाध्यक्ष खान बहादुर सरफराज हुसैन एवं राय बहादुर पुण्येंद्र सिन्हा को बनाया गया। सचिव के रूप में बैद्यनाथ नारायण सिंह एवं चंद्रवर्षी सहाय को नियुक्त किया गया। पहली सभा में होम रूल के सदस्य रहने वालों में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद आजम अली, एस शमी, शंभू नारायण, हरि नारायण प्रसाद, ए सेन, बी बसु, परमेश्वर लाल तथा श्री कृष्ण सिन्हा थे। 18 अप्रैल 1918 को एनी बसंत पटना आई, जिन्हें पुण्येंद्र नारायण सिन्हा के भीखना पहाड़ी स्थित आवास पर रखा गया। चंपारण जिले को छोड़कर बिहार में सर्वत्र होम रूल का प्रचार हुआ। एनी बसंत ने दो बार स्वयं बिहार की यात्रा की तथा आंदोलन को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बिहार में खिलाफत आंदोलन के क्या प्रभाव थे, कैसे बिहार में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया था। युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और उन्होंने तुर्की साम्राज्य को आपस में बांट लिया। मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के खलीफा का अपमान भी किया, जो उस समय इस्लाम जगत का धार्मिक नेता माना जाता था। मित्र राष्ट्रों विशेषकर ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से भारतीय मुसलमान भी आहत थे, अतः उन्होंने विरोध स्वरूप खिलाफत आंदोलन छोड़ा। गांधी जी के अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ, जिसमें सरकार के साथ असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ। शांति उत्सव में भाग लेने के सवाल पर विचार करने हेतु पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में 30 नवंबर 1919 को एक सभा हुई। इस सभा में हसन इमाम ने अध्यक्ष पद के लिए मौलाना शाह रशीदुल हक का नाम प्रस्तुत किया तथा राजेंद्र प्रसाद ने उसका अनुमोदन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में रांची में भी एक ऐसा ही प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें अंग्रेजों के साथ असहयोग की बात की गई। 19 मार्च 1920 को मुसलमानों ने पूरे बिहार में हड़ताल की। मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा एवं डाल्टनगंज में इसका व्यापक असर देखा गया। अप्रैल में खिलाफत आंदोलन के शीर्ष नेता मौलाना शौकत अली का पटना में आगमन हुआ। उनकी सभाएं बिहार के अनेक स्थलों पर आयोजित की गई। खिलाफत आंदोलन के समर्थकों में मौलाना मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद रफी, मौलाना नूरुल हसन, धरणीधर प्रसाद आदि प्रमुख थे। अब बिहार में असहयोग आंदोलन, तो बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव था, इसके बारे में जानते हैं। तो मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के साथ अंग्रेजों के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बदले खिलाफत आंदोलन चलाने का फैसला किया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपना असंतोष व्यक्त करते हुए असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला किया। 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के बाबू धरणीधर ने प्रस्तुत किया और मुंगेर के शाहद मोहम्मद जुबैर, पटना के गुलाम इमाम और मोतिहारी के बाबू गोरख प्रसाद ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव को भारी बहुमत से स्वीकृति प्रदान की गई तथा पूरे देश में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किया गया। देश में केवल गुजरात एवं बिहार दो ही ऐसे प्रांत थे जिनके प्रांतीय सम्मेलन ने कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व ही असहयोग का आह्वान किया था। इस सम्मेलन में गांधी जी द्वारा सुझाए गए असहयोग कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु व्यवहारिक योजना तैयार की गई तथा एक समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य राजेंद्र प्रसाद मजहरुल हक तथा शाह मोहम्मद जुबैर थे। सितंबर 1920 ईस्वी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में आयोजित कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम को स्वीकार किया गया तथा नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अंतर्गत लिप परिषदों के चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। परिणाम स्वरूप मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद तथा मोहम्मद शफी ने परिषद की उम्मीदवारी से नाम वापस ले लिया।
अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह, श्रीकृष्ण सिंह इत्यादि ने अपनी वकालत छोड़ दी। छपरा के अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उत्तर बिहार के किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद ने सरकारी नीतियों की आलोचना की। पटना लॉ कॉलेज के छात्र सैयद मोहम्मद शेर और बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र अब्दुल बारी एवं मोहम्मद साकी ने कॉलेज छोड़ दिया तथा बाद में अब्दुल बारी उग्रपंथी नेता प्रमाणित हुए। दिसंबर 1920 में अपनी अल्पकालिक बिहार यात्रा के क्रम में गांधी जी के प्रभाव स्वरूप 1921 ईस्वी में राष्ट्रीय स्कूल खोले गए। 5 जनवरी 1921 को गांधी जी की इच्छा अनुसार बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। 6 फरवरी 1921 को जब गांधी जी बिहार आए तो उन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का औपचारिक उद्घाटन किया। बिहार विद्यापीठ के कुलपति एवं प्रतिकुलपति के पदों पर क्रमशः मजहरुल हक और ब्रजकिशोर प्रसाद तथा राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर राजेंद्र प्रसाद आसीन हुए। जुलाई 1922 तक मुंगेर में ही केवल 6 राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। बाल गंगाधर तिलक के देहांत पर तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। इसके लिए बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी ने तिलक स्वराज कोष समिति का गठन किया जिसके संयोजक श्रीकृष्ण बाबू बनाए गए। 1921 ईस्वी के अंत तक भारत का क्रांतिकारी आंदोलन ऊंचे शिखर पर पहुंच चुका था। भारतीय जनता के साथ साथ बिहार में भी आंदोलन का व्यापक असर देखा जा रहा था। ऐसे में आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने स्वयं युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत भेजा। 22 दिसंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आए तब पूरे शहर में हड़ताल रही। बिहार छात्र सम्मेलन ने अपने 16वें अधिवेशन में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का निर्णय किया। विरोध की इस कार्रवाई में बिहार के अनेक नेता गिरफ्तार हुए और उन पर कठोर अत्याचार किया गया। इसका वर्णन मजहरुल हक ने अपने पत्र द मदरलैंड में किया है। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया में चौरा चौरी नामक स्थान पर आंदोलनकारी किसानों ने थाने पर हमला कर कई पुलिसकर्मियों को आग के हवाले कर दिया। महात्मा गांधी को इस घटना ने स्तब्ध करा दिया और उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया। इस प्रकार भारत सहित बिहार में भी असहयोग आंदोलन जो था वो कमजोर पड़ गया। तो ये था बिहार में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और होम रूल आंदोलन के क्या क्या प्रभाव थे। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रीलिम्स के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।